एक कहावत सुनी होगी आपने, कौन सी? पर उपदेश कुशल बहुती रे। ये लड़का ऐसी स्थिति है लक्ष्मण जी की। एक तो लेट गर्म हुए, जैसे बीरबल की नहीं खिचड़ी पक रही थी, कितनी कब कब वो बादशाह सलामत बोले कब तक पकेगी, तो सवेरे टाइम तक गर्म हुई वो। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया चल रहा है इसमें कोई। मैं देखिए, क्योंकि मेरा पक्ष है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, बाकी मैं ये नहीं कहता बेहतरीन, मतलब जो गीत विषय के इनके मजबूत थे, मेरे नहीं थे, मैं सही कह रहा हूँ। इतनी इतनी गूढ़ कथाएं आपने दी हैं, मैं केवल सरल भाषा में पेश करता रहा तो वो आप लोगों को अच्छा लगता रहा, लेकिन उनके गूढ़ प्रसंग थे। तो महाराज जी, अब ये वेदांत की बात है ना। ओ कहते हैं, बुराई बुराई कर बुरा होगा और भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा भलाई कर भला होगा, कोई देखे या ना देखे वो मालिक देखता। क्या बात है बाबा। लक्ष्मण जी तो विसैले हैं। अभी एक कटपीस गाया है आपने और वो भी विषय से संबंधित गा दिया, तो अब कहना तो है ही है और विषय के गीत का भी जवाब देना है, तो सुनिएगा। क्योंकि आपने कहा अरे बोल बड़े अनमोल रे बाबा, मीठे मीठे बोल Thank you.
मैंने पहले निवेदन किया कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अब तुम कितने मीठे बोल बोल रहे हो ये तो परशुराम बब्बा ही जान रहे हैं। तो मान दिया तो मान मिलेगा, मान से ही सम्मान मिलेगा, मन स्वाभिमान मिलेगा, मान मान कर बात मान ले, मान मान कर बात मान ले, करना मत अभिमान ओ बिटवा, मान से मिलता मान। अब चूंकि रे बाबा गाना कहता मितवा, एक शब्द आ गया बिटवा, लक्ष्मण जी के लिए बिटवा बेटे ही शब्द अच्छा लगेगा। अब चूंकि आप बाबा हमको कह रहे हैं बुजुर्गी के नाते, तो अब चूंकि आप तरुण अवस्था में हैं इसलिए आपको हम बिटवा ही कहेंगे। मान मान कर बात मान ले, मन मान मान कर बात मान ले, करना मत अभिमान रे बिटवा, मान से मिल मान से मिलता, ये आपके कटपीस का यथाशक्ति जवाब था।